दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डेटा रिकवरी पॉसिबल कैसे होता है? तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हम इसमें बताएंगे कि आपको डेटा रिकवरी कैसे पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, जब हम लोग कोई भी डेटा रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं, जब हम लोग फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं करते, पहले तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीट करते हैं, आप सिर्फ डिलीट की प्रेस करके एंटर करते हैं, तो होता है क्या, फाइल रिसाइकल बिन में चले जाता है, राइट? रिसाइकल बिन में चल जाता है, रिसाइकल बिन, ठीक है। अब उसके बाद फाइल आप डिलीट करेंगे रिसाइकल बिन से, तो वो हो जाएगा परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट। पर आप फाइल, मान लीजिए शिफ्ट डिलीट करके आप कोई भी फाइल डिलीट करेंगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, चाहे वो मूवीज हो, फोटोज हो, आपका सॉन्ग हो या कुछ भी हो, गेम हो, कुछ भी। तो जब ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो रिकवर कैसे पॉसिबल होता है भाई? रिकवर कैसे होगा जब वो परमानेंटली डिलीट होगा? तो ये देखिए, ये पॉसिबल ऐसे होता है कि जब आप कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करते हैं, शिफ्ट डिलीट करके एंटर, तो वो जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में ही रहता है, जहाँ से आप डिलीट किए वहीं रहता है। पर होता क्या है, सिर्फ फाइल का टेबल डिलीट किया जाता है, वो फाइल वहीं का वहीं रहता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप दोबारा उसमें राइट कर सके, दूसरा फाइल आप वहाँ पे उस जगह पे दोबारा राइट कर सके। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए करता है कि आपका हार्ड ड्राइव का लाइफ कम ना हो, क्योंकि अगर सिक्योरली डिलीट करना है कि रिकवरी ना हो पाए, तो उसको रैंडम सात बार डेटा को राइट करना पड़ेगा, रैंडमली डेटा से, तो सात बार भरना पड़ेगा उसको। तो उसको अगर आप जैसे सिक्योर डिलीट करेंगे, तो आप जैसे उसको सिक्योर डिलीट करेंगे, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरली डिलीट इसलिए नहीं करता है क्योंकि हार्ड ड्राइव का लाइफ कम होता है, क्योंकि सिक्योरली डिलीट करने से हार्ड ड्राइव में सात बार रैंडम डेटा से उसको भरा जाता है और भरना पड़ता है सॉरी सात बार रैंडम डेटा से भरना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। तो जितना आप राइट करोगे उतना लाइफ कम होगा। फॉर एग्जांपल, हार्ड ड्राइव की लाइफ है 9 साल एग्जांपल के तौर पे, तो 4 या 5 साल तक ही रहेगी। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं करता है। लेकिन अगर आप सिक्योरली डिलीट करना चाहते हो कि रिकवर हो ही ना पाए, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग के लिए तो कोई काम का नहीं है, खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए, वो सब नॉर्मल पर्सन यूज़ करता है। मतलब वो हम तो ब्लाइंड लोगों के लिए बना रहे, क्योंकि हम भी फुली ब्लाइंड है, और नॉर्मल पर्सन ये सब इस्तेमाल कर सकता है भाई, सॉफ्टवेयर वो जो सब टूल्स है सिक्योरली डिलीट। पर हम आपको रेकमेंड करें कि आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हार्ड ड्राइव का लाइफ जो है कम होगा, और आपको सिक्योरली डिलीट करने का जरूरत ही क्या है? हो सकता है आप कोई फाइल गलती से डिलीट कर दिए, तो आप उसको रिकवर करेंगे ना, कर सकते हैं ना रिकवर, अगर गलती से डिलीट कर दिए तो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिक्योरली डिलीट करने का आप क्यों सोचेंगे, मेरा बोलने का वो मतलब है। तो और हार्ड ड्राइव का भी लाइफ आप क्यों कम करेंगे? हार्ड ड्राइव, SSD, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, SSD क्या होता है, SSD क्या होता है। पर अभी के लिए डेटा रिकवरी का वीडियो में भी बना रहे हैं, तो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रेकमेंड करना चाहूँगा, आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप जैसे बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर वीडियो का, जो भी नया वीडियो डालेंगे।
तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी डिलीट हुआ हुआ फाइल को रिकवर कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक मूवी डिलीट की है, उसको रिकवर कैसे करें। तो हम लोग फाइल को आज रिकवर करना सीखेंगे। और जैसे हम एक मूवी डिलीट करते हैं, तो चलिए आइए सीखते हैं कि कोई भी फाइल को रिकवर कैसे करें। अब हम पहले कंप्यूटर ओपन करते हैं। अब लोकल डिस्क डी से जाएंगे, एल से अब एंटर करेंगे। अब मूवी तलाश करेंगे, मूवी जो कि एम से मूवी। अब हम एक मूवी डिलीट करेंगे जो कि उसको फिर हम बाद में रिकवर करके दिखाएंगे। हम शिप डिलीट से डिलीट किए जो कि परमानेंटली डिलीट करना, रिसाइकल बिन में नहीं रहेगा वो। आप जब कोई भी फाइल रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो हम शिप डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर दें और एंटर प्रेस करें। देखिए ये अर्डू मूवी डिलीट हो चुका है। अब हम चलते हैं उस सॉफ्टवेयर की तरफ जिससे हम आपको बताएंगे कि रिकवर कैसे करना है। तो हम ये सब क्लोज कर देते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है रिकोवा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम लोग अभी चलते हैं रिकोवा की तरफ, जो कि हम लोग फाइल रिकवर करेंगे ये वाडू मूवी को। तो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। रिकोवा हम लोग आर से तलाश किए, अब एंटर करेंगे। Recuva wizard dialog. Welcome to the Recuva wizard. This wizard will help you recover your deleted files. Period. Just answer a few simple questions and Recuva does the rest. Period. If you not apostrophe D want to use this wizard, comma, simply press cancel and you will have access to the advanced features of Recuva. Period. Do not show this wizard on tab. Next greater to active tab. Do not show it. यहाँ पे next करेंगे हम लोग, tabs next में जाएंगे और next करेंगे tabs से next में जाके। Tab next greater button to activate. Press spacebar. Period. यहाँ पर enter करेंगे। Enter. Show all. अब यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल फाइल्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, रेडियो, मतलब आप क्या रिकवर करना चाहते हैं। ऑल फाइल्स, पिक्चर, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, वीडियो, पर हम अभी ऑल फाइल ही रखते हैं। ओके, तो ये आप लाइफ एंड राइट एंड लेफ्ट एरो से देख सकते हैं, जैसे नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर रिकवर करना है या म्यूजिक, मतलब जैसे ऑल फाइल्स, जैसे आपको नेविगेट करना है ऑल फाइल्स के बाद पिक्चर, उसके बाद म्यूजिक। तो ये नेविगेट जैसे हम किए तो लेफ्ट एंड राइट एरो से किए। तो चलिए अब ऑल फाइल्स में है, अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। फिर टैब, अब आपको नेक्स्ट करना है फिर से। Next greater button, enter. I'll pass over the unlocked URL. अब यहाँ पे हम लोग को जाना है ये specific location. On my media card and my documents, in the recycle, in the specific, I'll pass over the unlocked. On my media card and my documents, in the specific, I'll pass in the specific location region. Specific location, इसमें जाना है. Tag, search everywhere on this tag. Browse dot dot dot. यहाँ पे हम लोग को browse करना है. Enter. Browse the folder dialog. Select mode. तो यहाँ पे हम लोग को लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ से हम लोग फाइल डिलीट किए हैं। Cancel button, okay, but can't tag, select tag, browse for folder type, select shift tab, select location, preview, local disk left there, see folder right there, open, six items, the root brewery. तो एक बार हम लोग इसको क्लोज करेंगे, मतलब क्लैप करेंगे, sorry. Level 2, local disk left there, see folder right there, close, one. Down arrow लेंगे, tab से हम लोग आए हैं, हम बात उस टाइम आपको बताना, मतलब जल्दी जल्दी किए तो बताना भूल गए, मतलब टैब से हम लोग आए लोकेशन ब्राउज करके
टैब टैब से हम लोग आ गए कहाँ पे एक मिनट Title is Recuva Wizard. Select location. Select location के बाद जो tab tab से आए जहाँ पे उसके बाद आया C drive, D drive. तो यहाँ से हम लोग तलाश करेंगे. एक down arrow लेंगे. Local disk left parent D colon right parent close. अब D drive हम लोग को D drive close है. इसको open करेंगे. तो उसके लिए right arrow. Local disk left parent D colon right parent open. अब हम लोग movies तलाश करेंगे. M से. Movies close. और मूवीज में एंटर कर देंगे. Enter browse dot 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 button to activate press space bar period alt plus R. अब यहाँ पे add less back button to activate add next greater button. यहाँ पे फिर से next करना है. Next आप tab से भी कर सकते हैं और alt n से भी कर सकते हैं. Enter thank you comma recuva is now ready to search for your files. After the search is complete you will see a list of the files recuva has found period. Simply check the files you would like to recover and click the recover button period. Click start to begin the search period. The table keeps scan checkbox unchecked. अब यहाँ पे ये recover ready हो गया है. अब हम लोग को file recover करना है. तो यहाँ पे आप ध्यान दें अगर आपको पूरा data चाहिए तो आपको enable deep scan पे mark करना होगा. ठीक है तो enable deep scan पे mark करते हैं. यहाँ पे mark किए space check किए और मतलब tab ship tab से गए enable deep scan जो बता दिया. फिर उसको space से check किए. अब start या फिर कुछ next इसी तरह का option होगा. देखते हैं टैप टैप से स्टार्ट ऑप्शन. ओके तो स्टार्ट ऑप्शन है. हम एंटर करते हैं. Enter operation in progress dot 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 dialog calculating time left dot 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 cancel button to activate press space bar period 0%. यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है. तो ये 1% स्कैन करेगा हार्ड डिस्क को और बताए और ये करेगा ढूंढेगा 2%. थोड़ा वेट कर लेते हैं. इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा. 3% फाइव परसेंट हो गया है और यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा. अभी तो सिर्फ 5% हुआ है. ये जो मूवी है ना 1.45 GB का है. ठीक है जो हम लोग रिकवर करेंगे. 6% यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है. आपका हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे मेरे पास एक लैपटॉप था पुराना लैपटॉप, उसमें सिर्फ 80 GB हार्ड डिस्क था तो उसमें तुरंत हो जाता था स्कैन. ये है इसमें 500 GB का हार्ड डिस्क है तो इसमें टाइम लग गया. हार्ड डिस्क के ऊपर आप पे डिपेंड करता है. तो उसमें फिक्र करने का जरूरत नहीं है आपको. 8% जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है लेकिन हम आपको काट के दिखा रहे हैं. जब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि फाइल को रिकवर कैसे करना है. 94% 96% 97% Period form recuva dialog. Left bracket D colon right bracket NTFS comma 270 GB period. Cluster size colon 4096 period. File record size colon 1024 period. Found 0 file left parent S right parent in 19 minutes 52 seconds period. View placement. Left bracket D colon right bracket NTFS comma 270 GB period. Cluster size colon 4096 period. File record size colon 1024 period. Found 0 file left parent S right parent in 19. अभी ऐसे बोल तो रहा कि zero file मिला. देखते पर मिला है कि नहीं. Tab. तो उसके लिए टैब प्रेस करना पड़ेगा. फाइल तो मिला है. अभी हम लोग यवाड़ू वाई से यवाड़ू तलाश करेंगे. ठीक है. देखिए
अब आप पूरा सुनिएगा ठीक है, पूरा सुनिए। देखिए पूरा बता रहे कहाँ से कहाँ था ये मूव डी में मूवीज में था और पैक मतलब बताया कि डी ड्राइव के अंदर मूवी में था और एक्सेलरेशन है मतलब अभी यूआरयू डिलीट करने के बाद कोई भी फाइल हम राइट नहीं किए तो बोल के एक्सेलरेशन है, फिर राइट करते जाएंगे तो उसका रिकवर होने का चांस कम होते जाएगा क्योंकि राइट करने से होता क्या है कि उसकी जगह वो फाइल राइट हो जाता है। तो जैसे हम बताए थे कि रिकवर वैसे पॉसिबल होता है कि फाइल डिलीट ही नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली डिलीट नहीं करता, वो टेबल सिर्फ डिलीट करता है। तो अभी हम लोग रिकवर हाईलाइटेड पे एंटर करेंगे, तो पहले एप्लीकेशन दबाएंगे, एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट मेनू डायनामिक रिकवर हाईलाइटेड सेव विद द टेक्स्ट फाइल डॉट 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 एस रिकवर हाईलाइटेड डॉट 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 एच रिकवर हाईलाइटेड एंटर लिमिट मेनू सेलेक्ट लोकेट लेवल 1 कंप्यूटर क्लब कंप्यूटर। अब यहां पे हम लोग को अभी करना है कि एक मिनट, लोकेशन देना है तो टैब से जाते हैं, टैब ब्राउज़ फॉर फोल्डर डायलॉग सेलेक्ट लोकेशन फॉर रिकवरी कैंसिल बटन द टैब सेलेक्ट लोकेशन फॉर रिकवरी प्रीव्यू कंप्यूटर ओपन थ्री आइटम्स टू मूव लेवल 2 लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट सी कोलन राइट पेरेंट क्लोज वन ऑफ 3 सी अभी क्लोज है, इसको ओपन करते हैं राइट अरो से, लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट सी कोलन राइट पेरेंट ओपन 6 आइटम्स। इसमें हम लोग जाते हैं यूजर डाउन एरो लेवल 3 इंटेल क्लोज्ड 1 प्रोफाइल लॉग्स क्लोज्ड डाउन एरो से यूजर्स में जाते हैं, फिर डाउन एरो लेते हैं प्रोग्राम फाइल्स क्लोज्ड प्रोग्राम फाइल्स लेफ्ट पेयर दैट फिर डाउन एरो लिए फिर डाउन एरो लेते हैं यूजर्स क्लोज्ड यूजर्स भी क्लोज है जिसको राइट एरो से ओपन करते हैं यूजर्स ओपन 2 आइटम्स लेवल 4 पब्लिक क्लोज्ड 1 ऑफ 2 फिर अप एरो लेते हैं लेवल 3 यूजर्स ओपन 2 आइटम्स नहीं सॉरी डाउन एरो लेते एक बार फिर से Level 4, public closed, virus closed. Virus, अब इसको open करते हैं, right arrow से. Virus open, 12 items. Tab, browse for folder dialog, select location tab, OK button to dash, shift tab, select location for recovery, preview, virus open, 12 items, remove through or expand items, use the arrow key. यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, my document में recover करने के लिए. ध्यान रहे, अब जिस drive से जो file delete किए हैं, जिस ड्राइव से जो फाइल डिलीट हुआ है वहाँ रिकवर ना करें क्योंकि वहाँ रिकवर करने से रिस्की है ऐसा बताता है रिकवा में, आप करेंगे भी तो बताएगा भी। तो यहाँ पे हम माय डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक मिनट कहाँ पे देखने दे डाउन एरो से जा रहे हैं माय डॉक्यूमेंट ओके दोस्तों माय डॉक्यूमेंट लिए एंटर 0% रिकवरी फाइल्स और रिकवर हो रहा है ठीक है और इसको हम लोग चला के भी देखेंगे कि चलता है कि नहीं 24%53%, 60%, 69%, 77%, 86%. 94%. यहाँ पे ये रिकवर हो चुका है तो चल हम लोग पहले Alt F4 से क्लोज करते हैं क्योंकि हम लोग को माई डॉक्यूमेंट में जाना है। ये सब क्लोज करते हैं। डेस्कटॉप आ गया, अब हम लोग चलते हैं वायरस में। अब यहाँ एंटर किए, अब जाना है माई डॉक्यूमेंट में। माई डॉक्यूमेंट्स
एम दबाए, माय डॉक्यूमेंट आ गया, एंटर शेल ऑफ डीटीए, एंटर किए, अब वीवाडू चलाते हैं। वा इवन लेफ्ट क्लिक अप इवन लेफ्ट पेयर 20 एंटर के नेशनल टी रिकवरिंग का आपने समझ लिया होगा, और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने का, और आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स।